अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर बनने का फैसला आने के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय आ चुका है। अयोध्या पर फैसले के बाद एनएसए अजय डोभाल की घर धर्मगुरुओं की बैठक हुई। बैठक में जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के साथ वेदशादन गिरी, स्वामी परमात्मानंद और बाबा रामदेव शामिल हुए। बैठक में सभी धर्मगुरुओं ने देश में शांति और सौहार्द को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खींचतान जारी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना सरकार बनाती है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, अगर वो सरकार नहीं बनाना चाहती तो कांग्रेस एनसीपी एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी ने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए 12 नवम्बर को अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि नेशनल और राज्य में अयोध्या फैसले पर आजकल को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी माफी मांगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग सच से क्यों डरते हैं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और समस्या सुलझाने के बजाय रिपोर्ट दबाई जा रही है। शिवसेना ने बीजेपी पर फिर निशाना साधा है। संजय राउत ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र दिल्ली का गुलाम नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में ही होनी चाहिए, महाराष्ट्र में रोमन साम्राज्य जैसे हालात बीच में पैदा हुए हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के साथ साथ राज्यपाल के कदम का भी स्वागत किया है। संजय राउत ने कहा है कि कोई सरकार नहीं बना पाया तो शिवसेना सोचेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम व्यापारी नहीं है जो राजनीति फायदे के लिए डील करे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर देश भर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों को बधाइयां दी है। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर मैं सभी देशवासियों विशेष रूप से अपने मुस्लिम भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आपसी भाईचारे और रहम दिली के साथ सभी की खुशहाली के लिए कार्य करें। भारत ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सिविल मैंसर पर फैसला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सिविल मैंसर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान की अनुसूचित और निराधार बयान को खारिज करते हैं जो सिविल मैंसर भारत का आंतरिक मामला है। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद मशहूर राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में इस मुसलमानों को दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन पर स्कूल बनाना चाहिए, तालीम अच्छी मिलेगी और 22 करोड़ मुस्लिमों को तो इस देश की बहुत सी कमियां भी खत्म हो जाएगी। खुद को बहादुर शाह जफर का वंशज बताने वाले प्रिंस याकूब असदुद्दीन टूसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रिंस याकूब ने कहा है कि जब भी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के लिए सोने की ईंट दूंगा। मजबूती और सुंदरता के कारण सदियों से प्रसिद्ध बंशी पहाड़पुर के पत्थर राम मंदिर के निर्माण में लगेंगे। राम मंदिर अयोध्या के लिए करीब 2 दशक पूर्व पत्थर तराशने का काम शुरू किया गया था। मंदिर के ऊपरी हिस्से के निर्माण के लिए आवश्यक करीब 2.25 लाख घन मीटर पत्थर की मूर्ति बंसी पहाड़पुर इलाके से ली जाएगी।
डार्क वेब से पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के संभावित आतंकी हमलों के संदेश मिल रहे हैं। कई खुफिया एजेंसियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जैस कई आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है। रॉ और आईबी ने सरकार को संभावित आतंकी हमले को लेकर अलर्ट कर दिया है। आतंकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद तीर्थयात्रियों को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने में परेशानी हो रही है। इस समय बद्रीनाथ धाम में तापमान माइनस से भी नीचे जा चुका है, पानी जम चुका है, गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उससे नजारे और भी सुंदर हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। उन्हें हरिद्वार के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंह की हालत अब स्थिर है और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से देहरादून लौट रहे थे, इसी दौरान सामने से आ रही गाड़ी को बचाने के चक्कर में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डीएचएफएल पीएफ घोटाला मामले में डीएचएफएल के चेयरमैन कपिल वाधवान ने हस्ताक्षर से जारी हुआ पत्र सामने आया हुआ है। लेटर में कपिल वाधवान ने दावा करते हुए कहा कि हम बिजली कर्मियों का पाई पाई चुकाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएचएफएल ने 30 सितंबर 2019 तक का भुगतान किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कारण भुगतान रोकने को मजबूर है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की भी यात्रा कराएगी। यात्रा पर आने वाला सभी खर्च दिल्ली सरकार खुद वहन करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव की बारीकियों पर काम करने के लिए इसे राजस्व विभाग के पास भेजा गया है, जिससे जल्द से जल्द पंजीकरण शुरू हो सके। दिल्ली की आबो हवा को साफ करने के लिए चीन की तरह पर बड़े एयर प्यूरिफायर टावर लगाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। स्टडी की जा रही है कि ये प्यूरिफायर टावर कितने सफल हो पाएंगे। इससे पहले 5 चौराहे पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत वायु फिल्टर लगाए गए थे। इसका ट्रायल नीरी ने किया था। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अयोध्या केस का फैसला आने के बाद यूपी के सभी जिलों में जिला प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दौरा कर रहे हैं। डीएम अमित किशोर और एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने पूरे जनपद के क्षेत्रों में हालातों पर नजर बनाए रखा है। देहरादून रेलवे स्टेशन से आज से 3 महीने के लिए ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। स्टेशन के यार्ड रीमॉडलिंग और प्लेटफॉर्म विस्तार के चलते रेलवे कई दिन पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है। देहरादून से कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस और नई दिल्ली देहरादून के मध्य संचालित शताब्दी एक्सप्रेस 23 दिसंबर 2019 तक हरावाला स्टेशन तक आएगी और वहां से ही अपने गंतव्य के लिए वापस रवाना हो जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाचते हुए का वीडियो वायरल हो चुका है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में मंत्री इगासा पर्व पर हो रहे कार्यक्रम में झूमते नजर आ रहे हैं। हरक सिंह का ये वीडियो लोगों के बीच खूब चर्चा में बना हुआ है। यूपी के गोंडा के चंदीपुर में तैनात घनघोर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। विरासत में नाम चढ़ाने को लेखपाल ने 500 रूपए की रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज में कच्ची शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुका है।
लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने एक सिपाही को शर्मनाक करतूत करते हुए पकड़ लिया। सुबह सुबह सिपाही नशे में धुत होकर बीच सड़क पर डांस करने लगा, जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में सांप और इंसान की दोस्ती का रिश्ता सामने आया है। रामबली का सांपों के साथ एक अनोखा संबंध है। सांप रामबली को काटते नहीं है बल्कि उनके साथ खेलते और अटखेलियां करते हैं। रामबली भी सांपों को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। सांपों के साथ रामबली की दोस्ती के चर्चे सुनकर दूर दूर से लोग उनकी दोस्ती का नजारा देखने आते हैं। यूपी के हापुड़ में एक किसान के खेत में अजगर निकलने से भगदड़ मच गई। खेत में करीब 10 फुट का अजगर देख किसान के होश उड़ गए। अजगर देख काम छोड़ किसान भाग निकले। आसपास के लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। बिहार के दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान पहुंचे सैकड़ों प्रतिभागियों ने जमकर बवाल काटा। प्रतिभागियों ने आयोजकों पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए खेल मैदान में लगे शामियाने को आग के हवाले कर दिया और वहां खड़े वाहनों को भी तोड़फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी का एक कार्ड काफी धूम मचा रहा है। शादी का ये कार्ड जरा हटके है। शादी के अनोखे कार्ड में पर्यावरण को बचाए और खाने की बर्बादी रोकने का संदेश छुपा है। शादी के कार्ड में अतिथियों को दो संदेश दिए गए हैं। पहला संदेश प्रकृति को लेकर है। इसमें अतिथियों को संदेश दिया गया है कि हिमालय बचाओ, पॉलिथिन हटाओ। इसमें अपील की गई है कि शादी में आने वाले सभी अतिथि प्रतिज्ञा लें कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा कार्ड में दूसरा संदेश भोजन को लेकर लिखा गया है कि खाना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोरे ने आगाह किया है कि वायु प्रदूषण का जहर बच्चों के मस्तिष्क विकास को प्रभावित कर सकता है और भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में गहराते इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। हाल ही में भारत का दौरा कर चुकी फोरे ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे वायु प्रदूषण के भयानक परिणामों से किस तरह लगातार पीड़ित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालता है और ये उनके जीवन को लगातार प्रभावित करता रहता है। चक्रवाती तूफान बुलबुल ने शनिवार आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपूपारा इलाके में दस्तक दी। इससे कई जगह भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिससे सुंदरबन डेल्टा पर उत्तर पूर्व में बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने तूफान बुलबुल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। रेसलर बबीता फोगाट शादी के बंधन में बंधने जा रही है। बबीता फोगाट 1 दिसंबर को नजफगढ़ निवासी पहलवान विवेक सुहाग के साथ शादी करेगी। शादी हरियाणवी रीति रिवाज के अनुसार हरियाणा के गांव बलाली में होगी। वहीं शादी के बाद 2 दिसंबर को दिल्ली में सेरेमनी कार्यक्रम रखा जाएगा। शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्म स्टार आमिर खान समेत कई बड़े खिलाड़ियों को निमंत्रण भी दिया गया है। भारतीय डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने वादा किया है कि वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की कमी को पाटने के लिए भारत जैसे देशों में आने वाले चिकित्सा पेशेवर को वीजा देने की प्रक्रिया आसान बनाएंगी। उन्होंने ये वादा आम चुनाव के प्रचार के दौरान किया है। कर्नाटक प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल सट्टेबाज संयम को गिरफ्तार कर लिया, जो हरियाणा का रहने वाला है। सट्टेबाजी के आरोप में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। केपीएल में मैच फिक्सिंग मामले में इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। इससे पहले इस मामले में 2 घरेलू क्रिकेटर को भी गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच ने बेल्लारी टर्कस के कप्तान और कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सीएम गौतम और उनके साथी खिलाड़ी अब्बार काजी को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के बीमार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सोमवार को इलाज के लिए लंदन जाएंगे। सूत्रों ने
हवाले से जो खबर मिली है उनके हवाई टिकट की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इलाज के बाद 27 नवंबर को वो देश लौटेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक नईम उल हक ने मीडिया को बताया कि सरकार ने शरीफ की रिपोर्ट को देखा था, उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय अगले सप्ताह अपने परिसर में लंगर का आयोजन करेगा। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में यह सालाना आयोजन आमतौर पर फरवरी अथवा मार्च के महीने में होता है, लेकिन गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर इसे अगले सप्ताह मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म चेहरे की अब नई रिलीज डेट 24 अप्रैल 2020 होगी। फिल्म चेहरे एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसकी कहानी एक फ्रेंड ग्रुप के बारे में है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बड़े बिजनेसमैन के किरदार में दिखेंगे और अमिताभ एक वकील के किरदार में नजर आएंगे। कंगना रनौत अपनी भाई अक्षत के सगाई समारोह में शामिल हुई और जमकर एंजॉय भी किया। इस दौरान गोल्डन कलर की साड़ी, गले में चोकर और डार्क रेड लिपस्टिक में कंगना बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कंगना रनौत और रंगोली चंदेल सहित कई लोग पहाड़ी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार भरत विलेन के रोल में नजर आएंगे। भरत ने सनी लियोनी और सचिन जोशी स्टारर जैकपॉट से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। साउथ फिल्मों में बड़े स्टार्स में शुमार भरत अब राधे में अपना जलवा दिखाएंगे। भरत ने इंस्टाग्राम पर सलमान संग फोटोज भी शेयर किए और लिखा, आखिर मेरा सपना पूरा हो ही गया। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर करते रहते हैं। अपनी शादी को लेकर सिद्धार्थ ने कहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा को 35 से 40 सालों का साथ देखा है, उनका सफर बहुत खूबसूरत रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज करूंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली फिल्म जबरिया जोड़ी भले बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई हो, मगर उन्हें अपनी आगामी फिल्म मर्जावा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। एक्टर ऋतिक रोशन अपनी सुपर हीरो फिल्म क्रिश्चार की तैयारी शुरू करेंगे। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन अगले महीने फिल्म क्रिश्चार की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिल्म जनवरी 2020 में शुरू हो जाएगी। ऋतिक की पिछली सीरीज फिल्में सुपर 30 और वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और लोगों ने फिल्मों को काफी पसंद भी किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने भारत को मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इसके बाद दूसरे T20 में भारत ने धमाकेदार वापसी करते हुए मेहमान टीम को 8 विकेट से मात देकर T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। सात्विक साईराज और चिराग सेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने खेले गए क्वार्टर फाइनल में चीन के ली जून हुई और लियू रू को इन दोनों की जोड़ी को 21-19, 21-15 से हरा दिया है। दोनों जोड़ियों के बीच ये मुकाबला कुल 43 मिनट तक का चला। भारत के सिंगल्स टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल और राजकुमार रामानाथन पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले डेविस कप मुकाबले के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए तैयार है। इन दोनों खिलाड़ियों ने 23 और 30 नवंबर को होने वाले मुकाबलों के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। भारतीय हॉकी फैंस के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2022 और 2023 के विश्व कप के मेजबानों के नाम की घोषणा कर दी। भारत को 2023 में खेले जाने वाले पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी की मेजबानी का जिम्मा देने का फैसला लिया गया है। चौदहवीं एशिया चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की युवा निशानेबाज चिंकी यादव ने देश के लिए एक और टोक्यो ओलंपिक 2020 कोटा हासिल किया है। चिंकी ने महिलाओं की 25 मीटर फ्रीस्टाइल इवेंट के फाइनल में जगह बनाने के साथ ही भारत के लिए 11वें ओलंपिक कोटा को हासिल कर लिया है।
साउथ अफ्रीका क्रिकेट के बुरे दौर को देख पूर्व खिलाड़ी हाशिम अमला सामने आए हैं। अमला को विश्वास है कि उनकी टीम दमदार वापसी करेगी और वो इसमें योगदान देने के लिए देश के युवा बल्लेबाजों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए भी तैयार है। अब्राहम डिलिवर्स और हाशिम अमला के संन्यास के बाद जो सूनापन टीम की बल्लेबाजी में आया है उसे अभी तक भरा नहीं जा सकता, जिसकी वानगी टीम के हाल ही में भारत दौरे पर देखने को मिली। महसाल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिल सकती है। जनवरी 2020 से ग्राहकों को बैंकों से NEFT के जरिए किए जाने वाले लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है। रिलायंस जियो ने अपने 149 रुपए के प्रीपेड प्लान में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव प्लान में नॉन जियो कॉलिंग मिनट जोड़ने के लिए किया गया, साथ ही प्लान की वैधता को भी 28 दिनों से घटाकर 24 दिनों के लिए कर दिया गया। इस प्लान के तहत अब यूजर्स को दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 300 मिनट मिलेंगे।